दिस इज आवर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय वेस्ट मटेरियल वेयर वी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट है अगर वो फोर्स लगाता है किसी दूसरे. ये जो छोटे बच्चे हैं जो जो अभी पुष्पित हो रहे हैं इनके अंदर अपार संभावनाएं हैं और विद्यानिकेतन परिवार उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है. बच्चों को उनको इन्वेंशन की तरफ उनका ध्यान को आकर्षित करा रहा है. उन्हें मोड़ने की कोशिश की जा रही है. विज्ञान में उनकी रुचि को पैदा करने की कोशिश की जा रही है. और विज्ञान उन्होंने आज जो प्रदर्शनी लगाई है अपनी रचनात्मकता को दिखाया है. और यहाँ पे जितने भी लोग जो अतिथिगण आए हैं उनको सराह रहे हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा. और इस प्रोत्साहन से इस मोटिवेशन से ही नया इन्वेंशन होगा. निश्चित तौर पर बच्चे अगर सपने देख रहे हैं तो वो पूरा भी करेंगे. इसे अन्यथा ना लेना चाहिए और हमको उत्साहित होना चाहिए कि हमारे बच्चे ऊंचा सोच रहे हैं. नहीं, आपको मैं बताता हूँ, ये जो बच्चों का सपना है ना उसे आने वाली पीढ़ी पूरा कर लेगी. कोई भी नेता प्रनेता हो सकता है, वो किसी के भविष्य को नहीं बदलता है, आपको सिर्फ उत्प्रेरित करता है. आविष्कार 2023 विज्ञान प्रदर्शनी औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर के मुख्यालय संस्कार विद्यालय में आविष्कार 2023 विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया है, जहां बच्चों ने तरह तरह के मॉडल बनाया है. इसका भव्य उद्घाटन सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ है. इलाके के गणमान्य लोग यहां पहुंचे हुए हैं. इस तरह का मॉडल यहां बच्चे बनाए हुए हैं जो गाँव में काम आने के साथ साथ चंद्रयान का मॉडल है और तरह तरह का मॉडल यहाँ पर बनाया गया है. अपने बात कर लेते हैं बच्चों से कि क्या बनाया जा रहा है. टीम लीडर कौन है आप? डैम का मॉडल है. कैसे काम करता है? As the water flow down the dam, its kinetic energy used to turn a turbine. Kinetic energy mechanical energy में change होता है. Mechanical energy change करता है electricity में. तो electricity provide करता है हमारे यहाँ से. Water यहाँ से flow होता है. तो हमारे घर तक, हमारे घर तक. इसमें water का और use कहाँ कहाँ हो सकता है? Water का use होता है जैसे में हाथी बनाने में, ऐसे जो खेत में होता है ना हाथी चमेली उसमें काम होता है. बिल्कुल, पानी से ऊर्जा उत्पन्न करने के साथ उसके खेत में भी उपयोग कर सकते हैं. और यहाँ देखिए सोलर सिस्टम बनाया गया है. तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ सोलर सिस्टम बनाई है. बेटे क्या बनाए हैं आप? मॉडल का क्या नाम है आपका? सोलर सिस्टम है. तो इस सोलर सिस्टम में ये कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या बताना चाहते हैं इससे? मतलब कहाँ कौन शिफ्ट है कि अपने ऑर्बिट में सब दिखाए हैं आप यहाँ? अब यहाँ मॉडर्न सिटी खास करके भारत देश को आधुनिक बनाने के लिए, भारत को मॉडर्न बनाने के लिए का जो हम लोग मिशन चल रहा है केंद्र सरकार का, तो जो आगे आने वाले शहर होंगे कैसे होंगे उसको बनाने का प्रयास किया है. तो आज पे क्या क्या इस शहर में आपकी क्या क्या सुविधा है बताइए. और यहाँ पर हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज मेट्रो, वो भी यहाँ पर वर्किंग में है. और हमारे यहाँ पर और जितने भी चीजें हैं जो हमारे सिटी में, वो सभी चीज इलेक्ट्रिसिटी और सोलर का सपनों का दाऊद नगर आप देख दिखाया है. जो आप सोचते हैं कि हमारे जो अगली पीढ़ी को कैसा दाऊद नगर मिलेगा उसको बताने का प्रयास किया है. तो इस तरह से बच्चों ने देखिए अपने शहर का मॉडल बनाया है. उसके बाद हम लोग दिखाना चाहेंगे बहुत ही, देखिए बच्चियां इस तरह का मॉडल दिखा रही हैं. क्या बना रही है बेटा? न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन. कैसे बोलता है? क्या सर? व्हाट इज न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट है अगर वो फोर्स लगाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम उसी अमाउंट में फोर्स लगाएगा पहले ऑब्जेक्ट पे. मॉडल में कैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा न्यूटन सेकेंड लॉस ऑफ मोशन है. न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन ये कहता है द
the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. तो यहाँ पे एक मास m2 है और एक मास m1 है. ये दोनों मास अगर हम मतलब दोनों का मास डिफरेंट है. अगर m2 का वेट ज़्यादा है, m1 का वेट कम है, तो अगर इसे हम नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे नीचे चला जाएगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है. क्या नाम है आपका? प्रियांशी कुमार. इस तरह से आप देखिए सब मॉडल न्यूटन का नियम पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको हम दिखाने जा रहे हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वेस्ट मटेरियल. जो कहा जाता है कि जो कचरा से कंचन बनाने का बात किया जा रहा है, तो कचरा से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे, आप कैसे काम करता है आप बता सकते हैं? आप बाहर आ जाइए थोड़ा सा, आप डिस्क्राइब कीजिएगा ना. हो गया तो फिर आप हमसे बता दीजिए. Hello, I am Suresh Kumar and this is our project Electricity Generation by Waste Material, where we burn the waste material and the heat generated gets absorbed by the heat sensor and converted into electricity by the circuits. There are two circuits, one inside the house and one main circuit. Here are the switch of the circuit. Please turn on the circuit, my friend. He is my friend, Prince Kumar. How to work? How to work? Firstly, it burns the waste and the heating sensor and the solar panel observe the heat from the generator and it gets transferred to the circuit and it transforms it into electrical energy and it by which the circuit converts into a bulb and start from there and the bulb will light. Solar panel heat observe करके electricity दे सकता है? Yes sir, heating sensor, heat sensor, heating sensor and solar panel. The solar panels and heating sensor absorb the heat and then convert it into from the circuit. Here is our main circuit and when we switch on it, here it is already on. So if we switch on, we can see the bulb is glowing slowly because the heat is low. So here bulb is glowing. We can see here we are giving heat and there is our electricity. तो आपने जैसे देखा कि कचरे से बिजली बनाने का, उससे ऊर्जा बनाने का जो मॉडल है दिया जा रहा है, इसे बड़े लेवल पर अगर इस तरह से काम किया जाए तो जो ऊर्जा का और कचरा का दोनों का समस्या समाधान हो सकता है. तो अभी आपने देखा कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा भविष्य का शहर कैसा होगा, हमारे इसरो चंद्रयान कैसे कर रहा है, यहाँ तक कि राम मंदिर का भी मॉडल बनाया है. और खास करके मुझे बहुत इंटरेस्टिंग यह लगा कि कचरे से बिजली बनाने का एक काम शुरू है. मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के सपने जरूर पूरे हों. और इसी के साथ जय ज्ञान जय विज्ञान कहते हुए आप लोगों से बहुत विदा लेते हैं. लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जय विज्ञान जरूर लिखिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.